बीकर कंटेन्स वाटर म्यू इक्वल टू 4/3 फिल्ड टू ए हाइट ऑफ 32 सेंटीमीटर. ए कॉनकेव मिरर इज फिक्स इन 6 सेंटीमीटर अबव द सरफेस ऑफ वाटर एज शोन इन फिगर. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द बीकर एंड इट्स इमेज इज फॉर्म्ड 14 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर. द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज. देखिए ये हुआ हमारा सेटअप. डायग्राम में आप देखिए ये सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है. तो इमेज जो है वो यहाँ पे कहीं पे फॉर्म हो रहा है. ठीक है, 14 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर. ठीक है, यहाँ पे और जो हमारा मिरर है वो 6 सेंटीमीटर डाउन है और वाटर फिल किया गया है 32 सेंटीमीटर. ठीक है, और बॉटम में हमारा ऑब्जेक्ट रखा गया है. अब अगर हम बाहर से इस चीज को नोटिस करें तो क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट बॉटम में नहीं समवेयर अराउंड यहाँ पे दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होने वाला है, लेटरल शिफ्ट होने वाला है. तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, नॉर्मल शिफ्ट होने वाला है. तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ऑब्जेक्ट हमें कहीं यहाँ पे दिखाई देने लगेगा. मैं बोल देता हूँ इसको वोल्टेज. तो कितना शिफ्ट होगा वो देखते हैं. तो शिफ्ट होगा हमारा वो हो जाएगा टोटल टोटल जो वाटर है कहाँ तक, 32 तक है, डिवाइडेड बाई म्यू म्यू ऑफ द मीडियम मतलब वाटर. तो इसका कितना बोला गया है, 4/3 बोला गया है. तो दिस इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये ओ का यहां से लेके यहां तक, ठीक है, सरफेस ऑफ द वाटर से लेके जो ओ यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है वो कितना है डिस्टेंस, 24 सेंटीमीटर. इसका मतलब जो यू है हमारा, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो अगर मैं इस साइड में नेगेटिव लेता हूँ, ठीक है, इस साइड मिरर के इस साइड में अगर मैं नेगेटिव लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ कितना होगा 24 प्लस मिरर का डिस्टेंस क्या है 6, यानी कि 24 प्लस 6 ये बन जाएगा -30 सेंटीमीटर. ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. उसके बाद इमेज इसका बोला गया है कि 14 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस फॉर्म हो रहा है. तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, ये भी इसी तरफ फॉर्म हो रहा है तो माइनस लगा देंगे फिर से. तो ये हो जाएगा हमारा 14 प्लस 6, यानी कि ये हो जाएगा -20. अब सिंपल सा है, स्फेरिकल मिरर का फॉर्मूला हम लगा देंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v, यानी कि -20 ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे -30 हो जाएगा. ठीक है, तो इसको हम फर्दर कैलकुलेट करते हैं, ये आगे हो जाएगा, इसको अगर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 600 हो जाता है. ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा -30 और ये -20 हो जाएगा, राइट. तो ये हो जाएगा -50/600, यानी कि इससे ये काट सकते हैं और इसको 12 से काटेंगे तो जो हमारा 1/f का वैल्यू कितना आ रहा है, -1/12. तो मतलब फोकल लेंथ जो है वो हो जाता है -12 सेंटीमीटर. तो फोकल लेंथ कितना आया हमारा, 12 सेंटीमीटर. अब ये कौन से ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर 2.